हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल का दिन में क्या होने वाला है और आज का दिन में मार्केट क्या रह चुका है और कल क्या हो सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ। उसके साथ साथ हम लोग एक लेवल भी नोट करेंगे, जो लेवल के ऊपर हम लोग कल का दिन में कामकाज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग सबसे पहले हमारा जो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो मार्केट में जो अभी ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब मार्केट अभी बुलिश में दिख रहा है, मेरे को जितना दिख रहा है। हमारा जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी हमारा बुलिश दिख रहा है। यहाँ से हमारा गिरना चालू किया था मार्केट, यहाँ से रिकवरी अभी हो रहा है, रिकवरी कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं। तो अब देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा फॉल भी आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिकवरी मूड में है, रिकवरी देने का ट्राई कर रहा है, बट हमारा जो लेवल रहेगा, बट एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। जब तक ना हमारा 11,320 का लेवल हमारा जब तक ना टूटते हैं, तब तक मार्केट डाउन जाने का चांसेस बहुत ही कम है। तो ये लेवल को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये 300-320 का जो लेवल है, 11,300-320 का, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है मार्केट में अभी। तो हम लोग 5 मिनट चार्ट में जाते हैं, 5 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे क्या है स्टेटस। देखिए, आज पूरा दिन मार्केट एक अप डाउन हैवी वोलेटाइल था। मार्केट में हमारा जो ब्रेकआउट आया था, अप ट्रेंड के लिए ब्रेकआउट आया था, ये 2 बजे आया था, और साथ साथ हमारा अप ट्रेंड भी सिग्नल मिला था, हमारा टूल में भी सिग्नल मिला था। और पूरा दिन मॉर्निंग से लेकर पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था और वोलेटाइल था, बहुत बहुत है। कल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कल का हमारा जो लेवल है डाउन साइड में, जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है 11,424, एंड अप साइड में जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है वो 11,600 का लेवल है, 11,600 का लेवल है। ये दोनों लेवल को आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि 11,600 के ऊपर मार्केट एटलीस्ट 15-20 मिनट सस्टेन करने लगता है, तो मार्केट में एक छोटा अम्मू आपको दिखाई देगा कल के लिए। जो पहला जो आपका रहेगा वो 690 तक आपको एक छोटा सा अम्मू दिखाई देगा, मतलब आप देख सकते हो यहाँ से ये जो लेवल है 600 का लेवल है, 600 लेवल से एक अम्मू भी यहाँ तक दिखाई दे सकता है। उसके बाद इसी लेवल से मार्केट को गिरने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा दूसरा भी एक ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट सबसे पहले आके इस लेवल को 11,400-11,500 को जो लेवल है, ये लेवल को इसने तोड़ दिया तो मार्केट डाउन भी आ सकता है कल के लिए। जो हमारा टारगेट रहेगा 11,320, और अबाव की तरफ हमारा जो टारगेट रहेगा कल के लिए वो 11,690। ये दो टारगेट है। और हम लोगों को सेल कहाँ पर करना है, हम लोगों को सेल करना है, हम लोगों को 11,400 के बिलो हम लोगों को मिले, 420 के बिलो हम लोगों को मार्केट मिले, तो हम लोग मार्केट में सेल ऑन राइज करके चलेंगे। और 600 के अबाव रहेगा तो हम लोग इस टारगेट के लिए बाई के लिए सोचेंगे, ठीक है। लेकिन कल का मार्केट एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, तो देख के ट्रेड करना सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारा बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी भी आज बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, एक ही रेंज पे पूरा दिन काम किया। 2 बजे इसका भी ब्रेकआउट हुआ सेम टाइम में, निफ्टी के साथ साथ इसका भी 2 बजे ब्रेकआउट आपको मिला है। 2 बजे के बाद ये अप मूव दिखाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से अप मूव दिखाया। तो कल के लिए क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो हमारा सिनारियो दिख रहा है मार्केट में, 4126 का जो लेवल है इसको मार्केट कल ब्रेकआउट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप साइड का ट्रेड के लिए सोचेंगे। और हमारा लोअर जो लेवल है 23500 या 450, ठीक है, ये जो लेवल है इसके बिलो आपको ट्रेड मिले तो आपको सेल करना है, ओनली क्या करना है, सेल करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है जो हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेंगे कल के लिए। ठीक है, ये 2 लेवल है हमारा, हम लोग क्या करेंगे 120 के ऊपर हम लोगों को मिले मार्केट तो हम लोग बाई करेंगे मार्केट में कल के दिन के लिए। ठीक है, और हम लोग ये 347-350 के बिलो हम लोगों को मार्केट मिले तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, जो हमारा टारगेट रहेगा अपर की तरफ 200 पॉइंट, और बिलो हम लोगों को टारगेट रहेगा थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट रहेगा, बिलो हमारा जो दिख रहा है वो 350-400 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है कल के लिए। तो हम लोग अभी ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखते हैं, ऑप्शन चेन में हम लोग चलते हैं, ऑप्शन चेन हमारा क्या बोल रहा है, कहाँ पर हम लोग हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर निकल के आ रहे हैं वो भी देखना हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं, ये निफ्टी का कल का एक्सपायरी वाला ऑप्शन चेन है। तो पहले हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे, हमारा सपोर्ट कहाँ पर है। सबसे पहले हमारा जो सपोर्ट दिख रहा है 500 का लेवल पे, 11,500 के लेवल पे हमारा सपोर्ट अच्छा खासा दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा है और चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट भी हमारा अच्छा खासा आज के लिए दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो हम लोगों को 11,400 पे हमारा सेकंड सपोर्ट मिल रहा है। पहला सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है वो 11,500, और सेकंड सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है ये लेवल टूटता है 500 टूटता है तो हमारा जो लेवल दिखाई दे रहा है 11,400 ये हमारा दूसरा सपोर्ट है। अभी हम लोग रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस हम लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा जो अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस हम दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा एडिशन हुआ है आज का दिन में, वो है 11,600 लेवल पे। उसके अबव देखें तो हमारा जो अच्छा खासा एडिशन के साथ हमारा या रेजिस्टेंस हमारा सेकंड रेजिस्टेंस दिख रहा है 11,700 के लिए। तो 11,600 हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा और 11,700 हमारा दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी के हिसाब में मैंने लेवल भी दिया हूँ, 600 के ऊपर आपको मिलता है तो आप 690 तक आप ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेन के लिए सोच सकते हो, वह से मार्केट को डाउन जा सकता है। और नीचे की तरफ आपको 500 का लेवल पे आपको मिले तो इसको टूट जाता है, 500 का जो सपोर्ट है सपोर्ट टूट जाता है तो आप 400 तक नीचे की तरफ अपने लेवल लेके चल सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कहाँ पर सपोर्ट हमारा, कहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये बैंक निफ्टी का कल का एक्सपायरी वाला ऑप्शन चेन है, कल इसका एक्सपायरी है। तो हमारा सबसे नज़दीकी हमारा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, पहले हम लोग पुट साइड में सपोर्ट का देख लेते हैं, जो है 23,800 पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट हम लोगों को नज़र आ रहा है। उसमें आज एडिशन भी बहुत अच्छा हुआ है,
और ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा पहला सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट कहाँ पर मिलने वाला है, और 23,500 लेवल जो है ये यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा एक सपोर्ट बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा दूसरा सपोर्ट है, और नीचे की तरफ हम लोगों को देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल के लिए तो इसी के रेंज बहुत हो जाता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो 23,800 के बिलो आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो 23,500, ठीक है। ये दो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और हमारे रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, जिसमें बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, और आज आज एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है बहुत ही अच्छा, जो है 24,000 पे, 24,000 पे। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये पहला रेजिस्टेंस है। ये लेवल को इसका 100% आपका चार्ट में मार्क करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा काम पे आने वाला है। और अपर की साइड में हम लोग देखें रेजिस्टेंस, तो हमारा जो तगड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,500 लेवल पे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। तो हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी में कहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ऑप्शन चेन में भी हम लोग देख चुका हूँ, और हम लोग चार्ट पे भी हम लोग बता चुके हैं, लेवल भी मार्क करवा दिया हूँ। वो लेवल को बहुत ही अच्छी तरीके से नोट करके रखिएगा, और आपको कल का ट्रेडिंग सेक्शन में बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो इतना तक ही है, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और किसी को ये लेवल से आपको किसी को बेनिफिट मिलता है तो 100% कमेंट करके बताइए हम लोगों को, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।